मुल्तानी फेमिना जहां फैशन वहां, एक ही छत के नीचे विशाल शोरूम, वो सभी ब्रांड जो आपको देते हैं खास पहचान। आबुलेन मेरठ। कहीं धर्म के नाम पर, कहीं जाति के नाम पर, तो कहीं ठंड में सुकड़ती जिंदगी को बचाने के लिए कंबल के नाम पर लोगों की भावनाओं से चुनावी खेल खेला जा रहा है। अपना राजनीतिक दावा ठोकने के लिए भीड़ जुटानी थी, लिहाजा कंबल बांटने की घोषणा कर दी गई, बाकायदा कूपन जारी कर दिए गए। एन वक्त पर जैसी आशंका थी, कंबलों की लूट हो गई। जिसके हाथ में जितने आए वह ले भागा। भगदड़ मची, कुछ गिरे, कुछ को चोट आई। पुलिस ने आयोजकों के खिलाफ धारा 188 की रिपोर्ट दर्ज कर औपचारिकता निभाने की इतिश्री कर ली। यहां सवाल उठता है, यदि कंबल पाने के लिए मची भगदड़ में किसी की जान चली जाती तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होता? पुलिस, जिला प्रशासन, अथवा वह जिसने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इतने लोगों की जान परेशानी में डाली? सच वही जो फर्स्ट बाइट दिखाए। मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट .tv। यहां बात हो रही है हाल फिलहाल में हो रही चुनावी रैलियों की। हाल ही में सपा रालोद ने दबथुआ में रैली की। यहां मंच पर जैसी ही अखिलेश व जयंत चौधरी आए, सारी व्यवस्था औंधे मुंह जा गिरी। सुरक्षा के लिए बनाई जाने वाली डी में पत्रकारों व अन्य की कैसे जान बची है वही बता सकता है जो वहां मौजूद था। हाँ, इस अराजकता अव्यवस्था का अखिलेश अथवा जयंत पर कोई फर्क नहीं पड़ा, वह और उत्साहित नजर आए। पुलिस ने सिर्फ इतना किया कि सपा पदाधिकारी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी 7 दिन बाद। अब ताजा मामला, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी यूजन सभा की जानी कस्बे में हुई जनसंकल्प रैली का। कंबल के नाम पर गरीब लोगों की भीड़ जुटाने के लिए बकायदा कूपन जारी किए गए, एक कूपन एक कंबल। यहां आने वाली भीड़ को आयोजक अमित जानी से कम कंबल से ज्यादा लगाव नजर आया। देखिए अराजकता का यह नजारा। भीड़ में शामिल यह महिला इस बात का उदाहरण है कि उन्हें नहीं पता कि किसकी रैली है और इसका क्या मतलब। उन्हें तो मतलब है सिर्फ कंबल से, कोई और बांटेगा तो वे वहां चले जाएंगे, जिंदाबाद के नारे भी लगा देंगे। देखिए कंबल लेने आए, कंबल लेने के लिए। हाँ, अच्छा, सभी बहुत आई है पब्लिक, मुझे दिखाई दे रही है कि कंबल लेने आई है। रैली किसकी है यहाँ पे? अमित जानी की। हम आए गए 9 बजे आगे। कैसा आए हो तुम? टेम्पो से आए। टेम्पो से आए हो अपने? कंबल तो तुम्हें कंबल मिल सकता है, लगता लग रही है तुम्हें संभावना। जा रहे हो क्या आप बिन कंबल के? जा रहे हो आप इतनी दूर से आके? मिलेगा कंबल तो मिलेगा। अच्छा, कभी ना मिले? ना मिलेगा, कभी ना मिलेगा। रैली किसकी है तो बता दो। रैली किसकी, कौन सी पार्टी की रैली हो रही है यहाँ पर? अम्मा तो कंबल के चक्कर में आई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। कोरोना के नए वेरिएंट ने तेजी से अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। दिन में चुनावी रैली और रात में कर्फ्यू का ऐलान भी योगी सरकार ने कर दिया है। ऐसे में बेहद सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। सावधान रहिए, अपना व अपने परिवार का ध्यान रखिए। देखते रहिए फर्स्ट बाइट .tv। नमस्कार।